हेलो एवरीवन, कैसी है हमारी पब्लिक? वेट अ सेकंड, तुम लोग ये मत सोचना चैनल हैक कर लिया है मैंने। बस अपने भाई जो है वो थोड़ा छुट्टी पे गए हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं आ जाता हूँ। तुम मेरे साथ तुम्हारी इज्जत को कोई खतरा नहीं है, तो बस फ्री होके वीडियो को एंजॉय करो। तो फिलहाल आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट की स्टोरी, कि हमें मूवी के अंदर स्टार्टिंग का प्लॉट किस तरह से दिखाया जाएगा। अब ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड मेजर स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो फिलहाल जितने भी स्पेकुलेशंस मैंने इस वीडियो के अंदर करी है वो सिर्फ मैंने बस ट्रेलर और टीजर की डिटेल्स को नोटिस करने के बाद ही स्पेकुलेट करी है। सबसे पहले अपने को एवेंजर्स एंड गेम के टाइम पर ब्रो थॉर देखने को मिला था, जो कि लास्ट टाइम था एमसीयू के अंदर। ऑब्वियसली हमें वहीं से इसकी स्टोरी कंटिन्यू होती दिखाई जाएगी, जहां थॉर का जो पहला सीन होगा वो ऑब्वियसली ब्रो थॉर वाला होगा, जहां वो हमें मोटा दिखेगा। और फिर ब्रो थॉर से वापस से गॉड थॉर बनने का जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का सीन होगा वो हमें स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट के अंदर देखने को मिल सकता है। और हाँ, मॉल वाले इस सीन को भी काफी हैविली दिखाएंगे जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ट्रेलर के कुछ शॉट्स में हमें साफ साफ देखने को मिला जहां वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी शिप को अकेले ही खींच रहा था। अब अगर तुम लोग इसको लाइटली ले रहे हो तो लेट मी एक्सप्लेन, ये वही शिप है जो कि यूनिवर्स के एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी जाने में सिर्फ कुछ ही मिनट का टाइम लगाती है। उसको थॉर जो है वो अपने दोनों हाथों पर बेयर हैंड से खींच रहा है, तो उसकी स्ट्रेंथ किस लेवल पर जा चुकी है ये आप इस बात से समझ सकते हो। इसके अलावा हमें मूवी के स्टार्टिंग पार्ट में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी इन्वॉल्व होते दिखेंगे, जैसा हमने ट्रेलर में भी देखा था। जहां तक मुझे लग रहा है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का पूरा सीन जो होगा वो स्टार्टिंग के 20 से 30 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को आगे की स्टोरी में भी इंक्लूड करेंगे तो स्टोरी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाएगी और उसको और भी ज्यादा कैरेक्टर्स के साथ डील करना होगा। और बाकी मूवी के स्टार्टिंग सीन के अंदर ही हमें शायद एक छोटा सा बैटल सीन भी देखने को मिल जाए, जहां थॉर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी साथ मिलकर फाइट करें, क्योंकि ऐसे 2-3 सीन हमें ट्रेलर के अंदर दिखाए गए हैं, जहां इस सीन में आप देख सकते हो जहां थॉर खुद को रिवील कर रहा है। इस सीन के अंदर हमें भी शायद एक बैटल देखने को मिले, क्योंकि यहां पे हमें थॉर तो सिर्फ रेवेंजर वाली लुक में देखने को मिल रहा है, वहीं कुछ टाइम बाद थॉर जो है वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन लेता है स्टॉर्म ब्रेकर के साथ, जिसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वहां से चले जाते हैं। तो होपफुली यहां पे भी एक छोटा सा बैटल हमें देखने को मिलेगा मूवी के स्टार्टिंग पार्ट के अंदर। इन सब के अलावा मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक और चीज दिखाई जा सकती है, वो हो सकती है गॉड द गॉड बुचर की ओरिजिन स्टोरी। अब अगर तुम्हें नहीं पता है तो इस चैनल पे ऑलरेडी गॉड द गॉड बुचर की ओरिजिन पर एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, तो तुम लोग अगर देखना चाहो तो तुम्हें पिंड कॉमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाके देख लेना। ओवरऑल मैंने सारी चीजें तुम सबको समझा दी है, यही 2-3 सिनेरियोज ऐसे हैं जिनको मूवी के स्टार्टिंग में 20 से 30 मिनट के अंदर प्ले आउट किया जाएगा। अभी किस तरह से प्ले आउट वो लोग करते हैं ये मूवी मेकर्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा, बट 99% मूवी के स्टार्टिंग पार्ट के अंदर यही स्टोरी रखी जाएगी, जहां टोटल 3 सिनेरियोस है। सबसे पहला ब्रो थॉर से गॉड थॉर का ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ थॉर की एक छोटी सी बैटल जो कि स्टार्टिंग पार्ट में भी इंक्लूडेड रहेगी, और तीसरा सिनेरियो होगा गॉड द गॉड बिचर की ओरिजिन स्टोरी। अब इन 3 सिनेरियोस के अलावा एक और सिनेरियो ऐसा भी है जिसको लेकर मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ। ट्रेलर में हमें थॉर के कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए थे जहां वो सेल्फ डिस्कवरी और पीस वाले रास्ते को फॉलो करता हुआ दिखाया जाता है, तो इस सीन को देखने के बाद 2 पॉसिबिलिटीज निकल कर आती है जिनको मैं एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले पॉसिबिलिटी ये कि ये सीन हमें शायद स्टार्टिंग में देखने को मिले, जैसे कि मार्वल की ऑफिशियल सिनॉप्सिस में लिखा हुआ है कि थॉर जो है वो पीस वाले रास्ते को चुनता है और सेल्फ डिस्कवरी वाले रास्ते को फॉलो कर रहा होता है, जिसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वापस उसे बैटल फील्ड पर बुला लाते हैं, जिसके बाद से वो अपनी बैटल कंटिन्यू करता है थ्रू आउट द मूवी। अगर हम ऑफिशियल सिनॉप्सिस की माने तो मोस्ट प्रोबेबली ये सीन भी हमें मूवी के स्टार्टिंग पार्ट के ही अंदर देखने को मिल जाएगा, जहां वो सेल्फ डिस्कवरी और पीस वाले रास्ते को फॉलो करता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये सीन मूवी के एंड तरफ का हो, जहां थॉर जो है गौर को साइड करने के बाद यानी कि गौर से अपनी पूरी डीलिंग करने के बाद सेल्फ डिस्कवरी और पीस वाले रास्ते पर जाए, क्योंकि हम सबको पता है थॉर की ये 4th मूवी है जिसके अंदर थॉर को लिटरल गॉड दिखाया जाएगा, उसकी गॉड लाइक पावर्स को पहली बार एमसीयू के अंदर दिखाया जाएगा। मतलब अभी तक तो ठीक ठाक सा थॉर की पावर को दिखाया गया है, लेकिन अब हमारा थॉर एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो जैसे वांडा बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, इसलिए मार्वल वालों ने उसे थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया ताकि और भी कैरेक्टर्स को डेवलप कर सके वो लोग, वैसे ही थॉर जब नेक्स्ट लेवल कैरेक्टर बन जाएगा तो मार्वल वाले उसे भी साइड कर देंगे ताकि कुछ और कैरेक्टर्स को भी फुटेज मिल सके। तो थॉर को साइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि उसे सेल्फ डिस्कवरी या फिर पीस वाले रास्ते पर भेज दो। इसी वजह से दूसरी पॉसिबिलिटी में थोड़ा बहुत वजन भी पड़ जाता है कि हाँ मार्वल वाले ऐसा कर सकते हैं।
और मूवी के एंड होने के बाद थॉर का जब काम हो जाए, वो एक गॉड लेवल कैरेक्टर बन जाए, तब वो पीस वाले रास्ते को फॉलो करने लगे। और फ्यूचर में जब कभी माहौल को थॉर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एवेंजर्स 5 बनेगी या फिर थॉर 5 बनेगी, तब उसे वापस से बुला लिया जाएगा। वैसे मार्वल वाले चाहे तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हमें दिखा सकते हैं, जहाँ स्टार्टिंग में थॉर जो है पीस वाले पाथ को फॉलो करता हुआ दिखे, जिसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से वापस बैटल फील्ड पर बुलाएंगे। इसके बाद हमें छोटी सी बैटल देखने को लगी मूवी के स्टार्टिंग पार्ट में, और फिर मूवी के एंड में सारा कुछ डीलिंग होने के बाद गॉड द गॉड बुचर से सारा मैटर क्लोज करने के बाद थॉर जो है वापस से पीस वाले रास्ते पर चला जाएगा। खैर, मैं तो इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखा हूँ, और ये देखने के लिए कि ये लोग थॉर के साथ आखिर करते क्या है। वैसे टाइका वाटिटी ने कुछ माइल्ड जोक्स के चक्कर में कैरेक्टर डेवलपमेंट की लगा जरूर दी है, लेकिन होप्स हो कि पूरी मूवी के अंदर ऐसा ना हो। बाकी तुम्हारी क्या ओपिनियन है इसी स्टोरी प्रेडिक्शन को लेकर, जो कि मैंने अभी आप सबके सामने प्रेडिक्ट करी थॉर लव एंड थंडर के बारे में। अगर तुम्हें प्लॉट थोड़ा बहुत सही लगा हो तो तुम लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो लोग भी थोड़ा बहुत हाइप अप हो जाए थॉर लव एंड थंडर के लिए, और तुम्हें अकेले सिनेमा हॉल में मूवी देखने ना जानी पड़े, तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ। बाकी ऐसे अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हो रेगुलर बेसिस पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आप सबसे किसी और दिन यहीं पे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। I'm falling, facing it all, fearless.